हमें पास करा दो बस किसी तरीके से, डिक्शनरी क्लासेस अपलोड कर दो, अपनी फास्ट ट्रैक क्लासेस अपलोड कर दो, अपने क्रैश कोर्सेज रिलीज कर दो। ये सारे के सारे कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं एग्जाम से 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना पहले। ऐसे पास होगा सी एफ। नॉट ट्राइंग टू से दैट आई एम सम इंटेलिजेंट निंजा, मैं ही कोई आइडियल इंसान हूँ, आपको मुझसे ही सीखना चाहिए। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा। आज की डेट में हम पढ़ा रहे हैं, साथ में पोर्टफोलियो अच्छा सा मैनेज कर लेते हैं खुद के लिए। आई ट्राई टू क्लियर द एग्जाम वन वे और दी अदर, दी आंसर इज नो। हेलो माय डियर सीएफए कैंडिडेट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट लेके आया हूँ, एक एडवाइस भी लेके आया हूँ। सर एडवाइस तो आप हमेशा देते रहते हैं, गिफ्ट बताओ। दोनों के दोनों मिली जुली बातें, ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की वीडियो होगी, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। ऐसा है, हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स YouTube की वीडियोस पर कमेंट सेक्शन में आके लिखते हैं कि अपनी रिविजनरी क्लासेस अपलोड कर दो, अपनी फास्ट ट्रैक क्लासेस अपलोड कर दो, अपने क्रैश कोर्सेज रिलीज कर दो, हमें पास करा दो बस किसी तरीके से। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं एग्जाम से 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना पहले। लुक, जिन कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन नहीं हुई है, आई कैन फील फॉर देम, मुझे बुरा लगता है उनके बारे में, बट मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मुझे देख कर लगता है कि ये कैंडिडेट सीरियस है ही नहीं। अरे यार, तुम इतना महंगा एग्जाम भर रहे हो, 1.5 लाख रुपए तुमने एग्जाम भरने के लिए लगा दिए, और तुम्हारी प्रिपरेशन ऐसी चल रही है कि तुमको यूट्यूब पे आके कुछ ऐसे फटाफट फटाफट वाला देखना पड़ रहा है। ऐसे पास होगा सीएफए? पास को छोड़ो, ऐसे आएगी फाइनेंस की नॉलेज, ऐसे बनोगे इन्वेस्टमेंट बैंकर, ऐसे बनोगे पोर्टफोलियो मैनेजर, ऐसे चलेंगे हजारों करोड़ वाले फंड्स? बिल्कुल नहीं। मैंने अपने एग्जाम्स जब अपियर किए तो मेरी थिंकिंग ये नहीं थी कि बाय हुक और क्रूक वन वे और दी अदर बस एग्जाम पढ़ने के लिए रट रोटा के नक्की करो और चीजें बन जाए ना, बिल्कुल नहीं थी मेरी ऐसी थिंकिंग। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट आई एम सम इंटेलिजेंट निंजा, मैं ही कोई आइडियल इंसान हूँ, आपको मुझसे ही सीखना चाहिए। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कह रहा। आई हैव बीन अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल डिसिप्लिन। ये इस पढ़ाई की बड़ी बात है, मतलब इस पढ़ाई का बड़प्पन है कि उसने मेरे जैसे इंसान को एक ठीक ठाक सा अच्छा सा करियर दे दिया। आज की डेट में हम पढ़ा रहे हैं, साथ में एक पोर्टफोलियो अच्छा सा मैनेज कर लेते हैं खुद के लिए। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट व्हाट यू कॉल इक्विटी सेगमेंट की काफ़ी डिसेंट नॉलेज रखता हूं मैं। साथ ही साथ में हम अपने डेरिवेटिव सेगमेंट में छोटा सा प्रॉप डेस्क और FNO वाला जो सेगमेंट होता है उसमें काफ़ी डिसेंट काम कर लेते हैं। बट इज दिस ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई ट्राई टू क्लियर द एग्जाम वन वे और दी अदर? दी आंसर इज नो। तो मेरा ये एक छोटा सा एडवाइस है सारे के सारे पोटेंशियल फ्यूचर CFA कम्युनिटी को कि अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर मैसिव हो तो उसके लिए आपको मैसिव एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। 60% एफर्ट्स विल नॉट गिव यू 60% रिजल्ट्स, 80% एफर्ट्स विल नॉट गिव यू 80% रिजल्ट्स, नहीं होगा। 120% एफर्ट्स करेंगे तब जाके कुछ रिजल्ट बनने का चांस मिलेगा, यही है एग्जाम्स का सच। सर ये बातें तो आप पहले भी कर चुके हो, आप गिफ्ट क्या लेके आए हो वो बताओ। लोग मुझसे कहते हैं कि हमें क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड करो। माय हम्बल सबमिशन इज दैट ये हम नहीं करना चाहते बिकॉज क्रैश कोर्सेज आर मेंट टू क्रैश, विल नॉट डू दैट फॉर यू। आप एक बुरा डिसीजन ले रहे हैं, हम उस बुरे डिसीजन में आपके साथ भागीदारी नहीं चाहते, हम आपके लिए एक बहुत उससे बेटर चीज लेते हैं। हमने एक छोटा सा सेगमेंट लॉन्च किया है जिसमें हम कंप्लीट क्लासेस ऑफ अ फ्यू सब्जेक्ट्स YouTube पर डाल दिया करेंगे सो दैट यू गेट कंप्लीट सेंस ऑफ हाउ टू स्टडी। तो अभी के लिए हम FSA टॉपिक की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कम्प्लीटली एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, इस प्लेलिस्ट को आप देखिए, इसमें धीरे धीरे वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। द करेक्ट वे टू व्यू दिस वीडियोस वुड बी कि आप इस वीडियो को ऑर्डर में देखें, ठीक है, वन आफ्टर दी अदर देखें, ऐसे बीच बीच में जाके व्यू ना करें बिकॉज मैं बहुत ज्यादा सीक्वेंशियली पढ़ाता हूँ। एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी बुक, अपनी सी बुक या श्वेजर, मतलब CFA इंस्टीट्यूट की बुक या श्वेजर को देखेंगे तो उसका जो ऑर्डर है या उसका पढ़ाने का जो मेथड है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि CFA इंस्टीट्यूट ने जो ऑर्डर रखा हुआ है अपनी बुक्स में वो स्क्रूड अप है, वो गलत है। मैं जो ऑर्डर पढ़ा रहा हूँ मुझे वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक, बहुत ज्यादा बेटर लगता है, बहुत ज्यादा लॉजिकल लगता है। तो मेरी आपसे ये एडवाइस रहेगी कि अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज एक बार जाके इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को वन आफ्टर दी अदर देखिए। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की है, ये प्लेलिस्ट आपको 101% कंप्लीशन करा देगी इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, विच इज द कंप्लीट बेस ऑफ ऑल द CFA लेवल 1। आपको ये भी जानकारी लग जाएगी कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। डेरिवेटिव्स की एक सीरीज ऑलरेडी मैंने बना रखी थी, उसकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो एक FSA का सब्जेक्ट हो गया, एक डेरिवेटिव्स का सब्जेक्ट हो गया, ये दो सब्जेक्ट्स आपके पास पूरे के पूरे आ जाएंगे मोर और लेस सारे के सारे YouTube पर। सर इससे हमारा क्या फायदा है? तो दो सब्जेक्ट्स हैं, यू विल गेट अ सेंस ऑफ हाउ टू स्टडी। आपको ये समझ आएगा कि रट रट के पास होने में क्या दिक्कतें हैं, इललॉजिकली तरीके से पढ़ाई करने में क्या दिक्कतें हैं। आप जब इन नोट्स को, जब इन वीडियोस को फॉलो करें तो एक बहुत क्रिटिकल एडवाइस रहेगी, साथ में अपने हैंड नोट्स
बहुत अच्छे से क्रिएट कर लें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के साथ अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी पोस्ट कर दूं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चैलेंज आता है बिकॉज वो वन नोट फॉर्मेट के होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है अपलोड्स में, दूसरे टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं, अगर वो नहीं है तो अपलोड कर लूंगा, कमिट नहीं कर सकता कि अपलोड होंगे या नहीं, अगर हो पाएंगे तो जरूर कर दूंगा। एनी विच वेज मुझे ऐसा लगता है अगर आप हैंड नोट्स क्रिएट करें सिस्टमैटिकली, एक न्यू नोटबुक लगा लें और उस पर वन आफ्टर दी अदर जो मैं लिखवा रहा हूँ अगर वो साथ साथ में लिखते जाएं तो मुझे लगता है उसका आउटपुट बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। कंप्लीट FSA इज अवेलेबल फॉर यू ऑन YouTube, प्लीज व्यू इट, प्लीज पुट योर कमेंट्स। बहुत रिलीजियसली पूरे के पूरे FSA के सब्जेक्ट को देखिएगा। आई एम 101% श्योर दैट यू विल गेट अ न्यू डायमेंशन ऑन हाउ टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ FSA। आप इस सब्जेक्ट को ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं अकाउंट्स नाम से, क्लास 11th में, क्लास 12th में, अपने BCom, अंडर ग्रेजुएशन या दूसरी जगहों पे, बट ट्रस्ट मी 100% प्रॉमिस है, आप एक बार इन्हें व्यू करिए, यू विल गेट अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको समझ आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट्स को जैसे आप एंट्री की तरह रट रट के पढ़ते थे और यहाँ पे जब एनालिटिकली हम पढ़ा रहे हैं क्लास में तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। यू विल गेट टू नो द इनटैंजिबल डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रिटन इन द बुक्स एंड व्हाट वी डू इन द क्लासेस। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना, बताना आप किन टॉपिक्स पर मुझसे डिस्कशन चाहते हैं। I'll definitely be bringing more content on the topics that you want me to discuss on. Thanks a lot for this one. Please take care. Bye-bye. And as I always say, may God be by your side. Bye-bye.